1 लाख चली गई एंडेवर 2012 मॉडल बस 2-3 लाख में। हेलो एवरीवन, टुडे आई एम ड्राइविंग दिस KUV 100 K6 वेरिएंट, सेकंड टॉप वेरिएंट आता है इसका। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट द कार। मेरा ड्राइविंग रिव्यू मैं शेयर कर रहा हूँ इस गाड़ी के ऊपर। सजग की गाड़ी है फ्रॉम फरीदाबाद। हाय सजग। तो आज मैं अपना ड्राइविंग इसके साथ शेयर करता हूँ। इसमें मेरे ख्याल से ऑटो नहीं है ना, चारों पार विंडोज़ हैं, लेकिन एक एटलीस्ट ड्राइवर साइड का होना चाहिए था। एक इसमें ये बड़ा सा आर्मरेस्ट है जिसको ये लॉक है उठा के। ये 6 सीटर वेरिएंट है K6, तो ये 6 सीटर यहाँ भी कोई मान लो बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं। सीट को आगे पीछे करके हैंड ब्रेक को ऐसे करके हटा के ऐसे लग जाता है, और ये इसका गियर लीवर है, ठीक है। तो अगर सीट बेल्ट लगानी है तो आर्मरेस्ट कई बार ऊपर करना पड़ता है, तो अब इसे नीचे कर लेते हैं वापस। ये जिस सेगमेंट की गाड़ी है उसमें टाटा पंच है, इग्निस है, और मैंने पंच चलाई थी तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग के अंदर वो है कि मैंने पंच चलाई थी। अब मैं KUV 100 चला रहा हूँ तो क्या क्या डिफरेंस मैं नोटिस करूँगा वो बहुत ब्रीफली एंड सटल वे में मैं बताता जाऊँगा। दोनों में 1.2 लीटर का इंजन है, पावर भी ऑलमोस्ट सेम है, टॉर्क भी दोनों में 82-83 BHP एंड 113 और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। चलो सबसे पहले बैठते ही देखो दोनों में मैं डिफरेंस। ऑब्वियसली ये जो चीज़ें हैं ये तो काफ़ी अलग हैं, गियर इसका यहाँ है, हैंड ब्रेक इसका यहाँ है, उस चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है कि मैं ऐसी कोई गाड़ी चला रहा हूँ जिसमें गियर्स और ये सब यहाँ पर है। इसका ये आवाज़ कर रहा है ना, हाँ ठीक है हो गया। तो जो फर्स्ट डिफरेंस मैं नोटिस करता हूँ पंच के बाद KUV 100 चलाने में, दोनों गाड़ियाँ खुली हैं, मेन डिफरेंस सबसे पहले आएगा विजिबिलिटी में। इसमें बोनेट बिल्कुल भी नहीं दिखता है, उसमें बोनेट पूरा दिखाई देता है, उसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। विजिबिलिटी के मामले में पंच इज़ मच बेटर देन KUV 100, लेकिन उसके बाद जिस मामले में KUV 100 आगे है वो है पिकअप के मामले में, ठीक है। इसका पिकअप मैं एक सेकेंड, बहुत अच्छा पिकअप है इसका, थोड़ा सा नॉइज़ करेगा तो इसे थोड़ा सा अवॉइड करना। तो पिकअप के मामले में KUV 100 आगे है। अगली चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, ब्रेक्स KUV 100 के अच्छे हैं, मच बेटर देन पंच। पंच के में क्या है, वो बाइट नहीं है उसके ब्रेक्स में, बहुत हार्ड लीवर दबता है उसका और ब्रेक्स वो जो अचानक बाइट होता है ना वो नहीं आता उसके अंदर। तो ब्रेकिंग के मामले में KUV 100 अच्छी है। और जो जो एक एक चीज़ें मैं बताते जाऊँगा वो सुनते जाना कि मेरा कैसा इनिशियल और आई कैन से फर्स्ट इंप्रेशन ऑन KUV 100। गियर्स की लोकेशन को अगर हम छोड़ दें तो इसके स्मूथ हैं उससे, भले इसकी लोकेशन अलग है लेकिन इसके स्मूथ है। उसका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड थोड़ा सा स्टिफ शिफ्टिंग होती है पंच के अंदर, तो ये एक अलग डिफरेंस है। मैं बताता जाऊँगा, आप लोग देखते जाना कि किस गाड़ी को आप लेने का प्लान कर रहे हो। हालांकि ये अब आपको नहीं मिलेगी, स्टिल अगर आपके पास सेकंड हैंड लेने का ऑप्शन है तो मैं बता रहा हूँ। इट इज़ मोर ओवर माई ड्राइविंग इंप्रेशन ऑन KUV 100। एक और प्राइस पॉइंट, जब इसका ये गाड़ी 2016 का मॉडल है और लगभग 21,000 किलोमीटर चल चुकी है, और ये 6 सीटर जैसे आर्मरेस्ट जैसे मैंने बता दिया था, अगर कोई बैठना चाहे तो काफ़ी बड़ा आर्मरेस्ट है क्योंकि ये एक सीट कवर कर लेता है, ठीक है। तो ये एक है इसके अंदर। अच्छा सजग, आपकी जैसे गाड़ी है तो छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आपका भी ले लेता हूँ। इस गाड़ी को लेने का मेन रीज़न क्या था और तब इस सेगमेंट में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल थे? ऑब्वियसली तब पंच नहीं थी, तो क्या क्या था आपके पास ऑप्शन उस टाइम पे? हमारे पास ऑप्शंस थे क्विड के, अच्छा, और वैगनार की देखी थी हमने। बेसिकली हमारा स्टार्टिंग का जो था, मैं सेकंड हैंड कार देखने स्टार्ट की थी। सेकंड हैंड? हाँ जी। अच्छा। और हमें मिल रही थी 1 लाख चली हुई एंडेवर 2012 मॉडल। 1 लाख चली हुई एंडेवर 2012 मॉडल, अच्छा, 3 लीटर वाला इंजन। कितने में वो में मिल रही थी? अराउंड 2-3 लाख। बस 2-3 लाख में? हाँ जी हाँ जी। बट हमें लेने का पूरा प्लान बन चुका था। अच्छा। डील फाइनल होने से पहले ही उसे किसी और ने ले लिया। अरे उसके बाद फिर बहुत बुरा लगा होगा। बुरा तो लगा कि इतनी बढ़िया गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी। कौन सा मॉडल? 2012 था ना? हाँ जी हाँ जी, 2012। अच्छा। उसके बाद फिर हमने देखा सेकंड हैंड में ही वैगनार को। अच्छा, इंडेवर से सीधा वैगनार। बिल्कुल बिल्कुल,
हाँ हाँ नहीं वो बात ठीक है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, गाड़ियों का जो डिफरेंस है वो मैं कह रहा हूँ। अच्छा फिर वैगनार के ऊपर गए पर वही थोड़ा डिजाइन पसंद नहीं आया उसको, घर वालों को। अच्छा बेसिकली मम्मी को। तो उसके बाद फिर हम सोचा गया सेकंड हैंड निकालो, फर्स्ट हैंड ही देखते हैं, नई गाड़ी निकालते हैं। फिर हमने दो तीन गाड़ी और देखी, जैसे किट वगैरह देखी, पर उसमें थोड़ा वही साइज का मैटर था, स्पेशियस नहीं थे अंदर से, इंटीरियर इतना अच्छा नहीं लगा। अच्छा फिर महिंद्रा गए, महिंद्रा ने सबसे पहले जहाँ पे जो एक्सिक्यूटिव वगैरह होते हैं उन्होंने सबसे पहले ये गाड़ी दिखाई। अच्छा फैमिली कार है, सिक्स सीटर कार है और इंजन भी कोई बुरा नहीं है, बहुत बढ़िया इंजन है। अच्छा सो उसके बाद फिर हमने ये फाइनल करी और ये मिली। मुझे सबसे बेस्ट चीज बता दो KUV 100 की जो आपको काफी बढ़िया लगती है। सबसे बेस्ट ये कि हमें एक ऐसी कार चाहिए थी जो कहीं भी घुस जाए। अच्छा और अंदर से स्पेशियस हो, छोटे चाहिए, कॉम्पैक्ट लेकिन स्पेशियस चाहिए। अच्छा और हमें वो ही मिला, अंदर आराम से सब कुछ है इसके अंदर, बाकी वैल्यू फॉर मनी कार। हाँ प्राइस के हिसाब से सारे जो फीचर्स हैं वो हमें सेटिस्फैक्टरी लगे, कोई अंडर नहीं लगा। बढ़िया फीचर्स बता दो आप कोई कि ये बढ़िया लगा मुझे, ये अच्छा लगा, जैसे आपने बताया कोल्ड ग्लव बॉक्स है इसके अंदर। हाँ जी हाँ जी। और उसके अलावा क्या पसंद है? उसके अलावा एक तो इसका जो आर्म रेस्ट है सबसे बड़ा, यही सबसे बड़ा। ठीक है, दोनों साइड के बंदे इस पे हाथ रख सकते हैं आराम से, है ना? आपने जैसे रखा हुआ एल्बो मैंने भी रखी हुई है। और इसके बाद कोई एक और फीचर, कोई एक दो जितने भी है? गियर जो पोजीशन है वो स्टार्टिंग में कुछ लोगों को लग सकता है थोड़ा टाइम लगता है यूज होने में। हाँ हाँ बिल्कुल, बट बाद में इसमें अगर आदत पड़ जाती है तो बहुत ही कम्फर्टेबल है, दबाव दे दिया तो इस पे बस ऐसे साइड में रखा, हालांकि दबाव इस पे उस पे भी नहीं आता है लेकिन इस पे चांसेस कम है कि दबाव आएंगे। अच्छा और क्या नेगेटिव बता दो आप कोई कि भाई ये चीज मुझे डिसअपॉइंट कर गई, लेने के टाइम पे तो पता नहीं था, बाद में पता लगी फिर लगा कि ये क्या हो गया, मतलब नेगेटिव आ गया कोई गाड़ी का सामने, ऐसा क्या था? इसकी प्लास्टिक क्वालिटी प्लास्टिक अच्छा नहीं लगा, वो हाँ जैसे आवाज कर रहा है, बाकी ये सब जगह जो अंदर हल्की फुल्की आवाज करती रहती है, बाकी इसमें रस्टिंग लगना चालू हो चुकी है। वो तो मेरे ख्याल से एनवायरनमेंट का भी एक मेजर रोल होता है उसके अंदर, एनवायरनमेंट का भी है, बाकी मैंने ज्यादातर देखा महिंद्रा जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें लगता ही है कभी ना कभी। अच्छा थोड़ा बाद में लग सकता है पर इसमें लग गया एनवायरनमेंट का, वो तो पानी वानी का भी फर्क हो जाता है। चलाने में कैसी लगती है जैसे मेरा? हाँ अच्छी लगती है, टॉर्क भी ठीक है, स्टार्टिंग इनिशियल टॉर्क थोड़ा सा ओवर लगता है कभी कि ज्यादा मिल रहा है फर्स्ट गियर। हाँ पिकअप इसका देखो मैं जैसे चलाऊँ, मैंने पंच चलाई थी ना, तो इसका पिकअप उससे तेज है, इसकी ब्रेकिंग उससे अच्छी है, विजिबिलिटी पंच की KUV से बेटर है। हाँ उसमें बोनट पूरा खुल के दिखता है, जैसे मैं अगर ब्रेजर चलाने के बाद पंच चलाऊँ ना तो मुझे ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होता क्योंकि इसका बोनट पूरा दिखता है, तो विजिबिलिटी के मामले में तो पंच भाई बहुत बेटर है इससे। मुझे इसका सस्पेंशन पंच से बेटर लग रहा है ना, एक तो हाँ नहीं मीडियम है, फाइन ट्यून्ड है, ना ज़्यादा स्टिफ है ना बहुत ज़्यादा ऐसा है कि बाउंसी हो रहा है, हालांकि थोड़े से मुझे वाइब्रेशन इसमें फील हुए थे गाड़ी के स्टेयरिंग में, जो कि उस गाड़ी में नहीं है, पंच वगैरह में नहीं है। ठीक है तो हल्के से वाइब्रेशन ही, तो महिंद्रा की मैं वैसे भी कह दूँ तो पहचान ही है, हल्के हाँ ये उनके DNA में है कि वाइब्रेशन। हाँ गियर स्टिक इसकी नहीं हिलती है इतनी क्योंकि छोटा इंजन है प्लस थोड़ी ठीक है, तो इसमें वाइब्रेशन हिलता नहीं है एटलीस्ट उतना, स्टेयरिंग में तो है थोड़े बहुत वाइब्रेशन है। इस गाड़ी में बस थोड़ा सा एक दिक्कत है कि अगर मान लो इसे मैं फर्स्ट गियर में उठा रहा हूँ ना तो हल्का सा झटका लेके उठ रही है, जैसे CNG कार से नहीं उठती है थोड़ा झटका लेके, तो उतना स्मूथली नहीं उठ रही है, एक ये कमी मुझे इसमें लगी, बाकी ठीक है। स्टीयरिंग गियर मुझे ज़्यादा फर्क लग नहीं रहा, मतलब ठीक है। क्लच की हाइट ये जो है लीवर की हाइट थोड़ी ज़्यादा नहीं लग रही, थोड़ी ज़्यादा हल्की है ना, है ना ज़्यादा, मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लगी थी इसकी, मतलब जो क्लच लीवर है ना ये इसका थोड़ा सा हाइट ऊपर है, बाकी ब्रेक इसके अच्छे हैं भाई। एक ड्राइवर तो यही फील करता है भाई स्टीयरिंग कैसा है, क्लच गियर ये सब कैसे हैं, उसका गियर शिफ्ट कैसा है, बैटरी कैसी है, कंफर्टेबल तो ठीक है दोनों ही हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं महसूस। हाँ लेकिन मेरे ख्याल से ये जो इसमें थाई सपोर्ट मुझे इसमें ठीक लग रहा है उसके कंपैरिजन में, पंच के कंपैरिजन में इसमें ठीक लग रहा है, बाकी अपना अपना ओपिनियन है। आपको किसी दिन अगर मान लो लेने का प्लान हो तो ऐसा ना समझें कि पंच का अच्छा नहीं है, अपना बैठ के देखें, हर किसी का फिजिक अलग अलग होता है, कंफर्ट अलग अलग होता है। जैसे अब इसे अगर यहाँ फर्स्ट में उठाऊंगा ना
तो ये झटके लेती है। ठीक है ना, बॉडी रोल है, जैसे अपना स्कॉर्पियो को नहीं बोल देते बॉडी रोल है, इसमें नहीं है। तो इसके सस्पेंशन अनलाइक अदर कार्स, अनलाइक अदर महिंद्रा कार्स, इसके अच्छे हैं, क्योंकि एक तो छोटे से जिस सेगमेंट में ना था उसमें बाउंस दिए भी नहीं जाते, वो थोड़ी बड़ी है ना इसलिए दिए जाते। अरे ये जो एरिया है विंडशील्ड का हल्का सा छोटा है पंच से, लेकिन प्रॉपर मैं कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैं डिसकंटिन्यू हो चुकी है ना, तो ये गाड़ी नई तो मिलेगी नहीं, तो वो सवाल तो अब दूर हो गया कि केवी 100 लें या पंच लें। मैं वैसे बता रहा हूँ पंच के जो प्राइस पॉइंट है, जो सेकंड बेस है टाटा पंच का एडवेंचर वेरिएंट, ये उस सेगमेंट में 7 लाख की पड़ी थी ना। हाँ जी 7 लाख, और लगभग 5 साल होने वाले हैं, तो कोई प्लान है चेंज करने का? नहीं अभी तो कोई प्लान नहीं है। अभी कोई प्लान नहीं है, सही है फिर तो। एक बार मैं थोड़ा पीछे बैठ के भी दिखा दूंगा कैसा क्या कंफर्ट है डिक्की इसकी कैसी है, हालांकि है तो छोटी, तो एक साइड में ढंग की जगह देख के रोक लेता हूँ। हैंड ब्रेक के लिए हाथ चला गया था। तो देखो ऐसा है, इसमें भी खोलने का दरवाजा है, अगर पीछे स्पेस की देखा जाए तो लेग स्पेस इसमें मेरे ख्याल से ठीक होना चाहिए। ये एकदम फ्लैट है, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर ये देखोगे तो ये एकदम फ्लैट है, तो 3 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। एक और चीज़ ये अच्छी है इसमें कि ये तीनों हेड रेस्टेंट है, एडजस्टेबल नहीं है ना थोड़ा सा, अच्छा हुआ बीच वाला भी, तीनों एडजस्टेबल है, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ तीनों है, ये एरिया थोड़ा सा कम है इसका विंडशील्ड का पीछे देखने का, पीछे ये यहाँ से थोड़ा जंग खाना शुरू हो गई, ये ऑपोजिट है, ये क्रिकेट बैट है इसका। डिक्की छोटी है गाड़ी की, जैसे हर महिंद्रा की गाड़ियों में होता है, तो ये ऐसी है। ठीक है, वाइपर है, ब्लेड खत्म है भाई, चेंज करवाओ। चलो फ्रंट से भी दिखा देता हूँ, दिल्ली का नंबर है। वाइपर ब्लेड खत्म है पीछे की, हाँ बिल्कुल ख़त्म है। कि विंडोज़ भी बड़े हैं, ये चीज़ अच्छी है इसमें, चौड़े विंडोज़ हैं, तो साइड का अगर देखोगे तो वो पूरा दिखा। बेल्ट थोड़ी पहले से टाइट है मुझे ही लग रही है, नहीं, बेल्ट थोड़ी टाइट है इसकी। बाकी एक बार आवाज़ में आप दिखा देता हूँ, तब थोड़ा शोर शराबा था। एक बार तो हिलता ही है डैशबोर्ड इसका, हिल रही है, आवाज तो उसके बराबर ही है। एक जैसे एक्सेलेटर छोड़ूंगा ना तब थोड़ा वाइब्रेशन ये करते हैं दरवाजे भी, डैशबोर्ड भी, स्टीयरिंग भी। ये ऐसे जैसे गाड़ी बंद नहीं हो जाती, बड़े डीजल इंजन टाटा सुमो 44 वगैरह बंद होती हैं, वो वाला फील है। चलें, तो जैसे मैंने बताया कि एज ए ड्राइवर जो चीज़ें फील होती है ना, स्टेयरिंग स्टेबल है, वाइब्रेशन बहुत मिनिमल है, वो भी जब आइडलिंग पे गाड़ी है तब है, भगाने के बाद नहीं है, हाई स्पीडिंग पे नहीं है। क्लच की थोड़ी हाइट ज़्यादा है, ब्रेकिंग गाड़ी की बहुत अच्छी है इन कंपेरिजन टू टाटा पंच, और थ्रोटल रिस्पॉन्स सही है, पिकअप तुरंत लेती है, लैग इसमें नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे उठ रही है, वो वाली चीज़ नहीं है। विजिबिलिटी गाड़ी की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मतलब जो ग्लास एरिया है वो ठीक है,
एवरेज है, लेकिन बॉनट नहीं दिखाई देगा। वैसे गाड़ी स्पेसियस है, ऐसा क्लम्सी फील नहीं होता कि हाँ तो थोड़ा घुट गए गाड़ी के अंदर है, ऐसा कुछ नहीं है। सीटिंग कंफर्ट गाड़ी का ठीक है, अच्छा है, स्पेसियस है, पीछे भी बूट स्पेस ख़त्म है ख़त्म तो नहीं कहूँगा, कितना बताया था 243 लीटर्स टू बी वेरी प्रिसाइज 243 लीटर, जो कि सेगमेंट के हिसाब से थोड़ा सा कम है। मेरे ख्याल से अगर हम सेलेरियो की भी बात करें तो जो नई वाली उसका 313 लीटर है, जो जो सेकंड रो में इसका जो स्पेस है उसको शायद बढ़ाने के लिए बूट कम कर दिया गया, जो कि महिंद्रा की बाकी गाड़ियों में वैसे भी कम है, 300 का भी छोटा ही है। पावर टॉक फिगर्स तो गाड़ी के सही है, तो ये मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। अभी एक आध चीज़ें अगर और बचती हैं तो लेट यू नो बिफोर एंड दिस वीडियो। सेम साइज़ का स्पेयर टायर है गाड़ी में, 14 इंचज़ के टायर है इसमें। ये जो ब्रेक लीवर छोड़ने पे जो आवाज़ आ रही है पहले से है या बाद में आई है? स्टार्टिंग में दिया जैसे ये वाली आवाज़ है, जैसे तो इसमें आती है स्टार्टिंग से। ये स्टार्टिंग से लीवर छोड़ के जैसे क्लिक की आवाज़, हाँ जो जैसे कुछ लूज हो, ये हल्का सा फील होता है मेरे को, है ना। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस इन दिस वीडियो। सजग की गाड़ी है, उन्होंने टाइम निकाला वीडियो के लिए, गाड़ी अवेलेबल कराने के लिए, थैंक्स टू सजग। और कोई नहीं, अच्छा ये था मेरा एक्सपीरियंस KUV 100 के ऊपर, फर्स्ट टाइम आई ड्रॉव KUV 100, और ये मेरा पॉजिटिव नेगेटिव थे इस गाड़ी को लेके। कोई किसी गाड़ी को लेके कोई हेट नहीं होती, लेकिन जो हम बताते हैं काफ़ी बार क्या होता है कि हम अगर किसी गाड़ी के नेगेटिव बता रहे हैं, सपोज मैंने टाटा पंच के बनाए, तो उसे ये ना समझें कि मेरा मतलब बताने का ये है कि ये गाड़ी मत लो। हमारा काम शोकेस करना होता है एज ए कॉन्टेंट क्रिएटर कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, नाउ इट्स अप टू इफ यू वॉन्ट टू बाई दिस कार और नॉट, ठीक है। तो जो इसके पॉजिटिव नेगेटिव लगे मैंने इसके बता दिए, जो भी गाड़ी मैं चलाता हूँ उसके मैं बता देता हूँ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आप बताना मुझे वीडियो में किस किस के पास KUV 100 है, एंड व्हाट्स योर एक्सपीरियंस विद द कार। क्या जो मैंने पॉजिटिव बताए वो सेम आपके भी हैं, क्या नेगेटिव बताया क्या वो सेम आपके भी हैं, तो लीव योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड बस इतना ही, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं, अगर वो तो अच्छी लगती होगी अपने आप ही कर दोगे। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।